अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम निदा सिद्दीक है और आज हम हमारे CSS और PMS के टॉपिक पंजाबी के टॉपिक लोक कहानी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लोक कहानी की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा जो जहन है वो सीधा पंजाबी की तरफ जाता है। तो आज का सारा जो हमारा टॉपिक होगा वो उसकी जो डिटेल होगी उसमें मैं बात आपसे पंजाबी में ही करूँगी। अगर पंजाबी की बात है तो आपको सारी समझ पंजाबी में ही आएगी और मैं पंजाबी में ही आपको समझाने की कोशिश करूँगी। बेसिकली जो लोक कहानी होती है वो हमारे जो बुज़ुर्ग हमारे दादा परदादाओं के ज़माने से पहले, जब पंजाब की जो पंजाबी है बोली जाने वाली ज़ुबान, पंजाब की पंजाबी जब उसकी इब्तिदा हुई थी, तब से लेकर अब तक जो भी कहानियां हैं जो कि आज के दौर में भी, जैसे कि हीर रांझा की कहानी, बादशाह की कहानी, उन सबको अगर हम पंजाबी में किसी स्टोरी की सूरत में अपने बच्चों को सुनाते हैं, या कुछ इस तरह की कहानियां जैसे कि परिंदों की और जानवरों की और कुछ शेर बहादुर जैसे होते हैं अफराद जो कि इस दुनिया से चले गए हैं, उन्होंने पीछे अपनी बहुत अच्छी यादें छोड़ी हैं या एक कहानी की रूह से वो पंजाब का हिस्सा रहे हैं, तो उनको हम आगे नस्ल दर नस्ल अपनी जो आने वाली हमारी नस्लें हैं उनको बताते हैं। तो इस वीडियो में हम लोक कहानी को मुकम्मल डिस्कस करेंगे और हर बार ये लास्ट जो गुज़श्ता PMS था उसमें भी लोक कहानी पर एक नोट मुख्तसर आया था, इसमें हम ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कहानियाँ कैसी होती हैं, किस किस्म की होती हैं, कब सुनाई जाती हैं, इनका आगाज़ कैसे हुआ था। तो वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करते हैं और हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारे नालों पहला असी अगर लोक कहानी का तारुफ देखिए, पिछोकर देखिए, तो और किस तरह बनी, किस तरह इस दुनिया से उसका जन्म होया, तो किस तरह अपने बच्चों को सुनाई जाती है। लोक कहानी का तारुफ के पिछे यही लिखना मुनासिब रहेगा कि लोक कहानी की कहानी जिहड़ी तारीख है वह बड़ी पुरानी है। इहदा आगाज़ उदों होया जदों इंसान ने बोलना, चलना, तो समझना, सोचना, तो फिरना शुरू किया। लोक कहानी असल में बंदे नाल वरते वाकियात या मुशाहदात का दिलचस्प बयान हुंदा है, जिहड़ा तहरीर होए बगैर सीना बसीना एक नसल तो दूजी नसल में मुंतकिल हो जाता है। पंजाबी अदब में लोक कहानियां की तादाद हज़ारां विच है। ये कहानियां कई किस्मां ते मौजूआत बारे हुंदियां ने, जिन्हां विच तफरीह के नां नाल पंजाब की तहजीब ते सकाफत, उहदे रहिण दे वसू दे झलकारे, हिकमत और दानिश दीआं गल्लां ते तारीख ते वाकियात भी मिलते हैं। दूजे नंबर ते असीं गल करांगे कहानी दा तारीखी पसमंजर की है। कहानी के हवाले नाल एक गल यकीन नहीं की जा सकती कि इहदी पहली कहानी जिहड़ी है वह किदां शुरू हुई ते किहड़ी सीगी, पर एक गल पक्की है कि जदों इंसान नूं बोलन, समझन या रख रखाओ दा मुशाहदा करन दी ताकत मिली, उहदे कहानी नूं जन्म दिता, ठीक है, जदों उहदी सोच ने उहदा साथ दिता। असीं कह सकते हाँ कि इंसान ने मुढ़लियां कहानियां अपने आस पास की हयाती तो ही लभियां होवनगियां, जिमें जमीन, आसमान, सूरज, चंद, सितारे, पहाड़, दरिया, नदियां वगैरह मुढ़ली कहानी के मौजूआत हो सकते हैं। तो जिहड़ियां तारीफां मजहबी कहानियां, जिन्ना पड़ियां दियां कहानियां, जानवरां दियां कहानियां, कुदरती बलावां ते आफतां दियां कहानियां, तो उहदे खिलाफ जदोजहद इदां दियां कहानियां शुरू होईयां होवनगियां। जिवें जिवें अकल इंसान दी शऊर, तजर्बा ते इलम वधिया, कहानियां दे मौजूआत भी रंग ढंग दे नाल, तकाजे दे नाल बदल देंगे। इस्लामी अकीदे दे मुताबिक हज़रत आदम अलैहि सलाम दा जन्नत तों कढ़िया जाना दुनिया दी पहली कहानी हो सकती है। फिर वैदा, ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, उस तो बाद इदां दियां कहानियां, इस तों अलावा महाराजा भारत दियां कहानियां, राणियां महारानियां दियां कहानियां हो गईयां, इस तों अलावा रामायण वर्गियां किताबां विच लोक कहानियां शामिल ने जिन्हां दा ताल्लुक वादी सिंधी तहजीब नाल सी। पर यह गल वखरी है कि असीं इन्हां नाल नाता तोड़ लिया है। अंजील मुकद्दस ते कुरान मजीद विच भी कई इदां दियां कहानियां मिलदियां ने जिहड़ियां पुरानियां कौमां दे बारे जानकारी दिंदियां ने। हज़रत यूसुफ अलैहि इस्लाम की कहानी किस्से नूं अल्लाह ताला ने कुरान पाक विच एसनुल कसंद या कसस यानी सब किस्सियां विचों सोना आख्या है। पंजाब दी सब नालों पुरानी तहजीब ते कहानी लोकतंत्र है। ये कहानी दुनिया भर विच मशहूर है ते इन्हां कहानियां दा मजमूआ है जिहड़ा आर्याई दौर तो मकबूल है। इस तों अलावा कथा सरत सागर, उस तों अलावा अलफ लैला कहानियां दी दुनिया विच बहुत पुरानियां कहानियां दा रुतबा रखदियां ने।
इस तो बाद असी गल करांगे कहानी कहन ते सुनन वाले। कहानी कहन ते सुनन वाले दे विच असी गल करदे हां कि कहानी सुनन वाले निक्के बाल समझदार बाल कुड़ियां ते गभरू जवान हुंदे ने, ठीक है, वो सुनदे ने कहानियां। कहानियां सुनाण वाले माँ प्यो, नाना नानी, दादा दादी, कोई सियाणा बुजुर्ग, ठीक है, या कोई इदा दा जिहड़ी पूरी समझ रखदा है कहानी दे बारे च, वह बच्चों ये सुना सकता है। बाल जदों होश संभाल लेंदे ने तो सब तो पहला अपने मलंग कोलों कहानी सुनन दी वो कोशिश करते हैं। बुढ़ी माई जिथे बच्चे बच्चियां नूं जिन्ना पढ़िया ते राजा राणिया की कहानी सुना के उन्हां दी मंग पूरी कर दिंदी है, उत्थों ही उन्हां दी अखलाकी परवरिश भी करती है कि उह जे कहानी विच कोई ना कोई सबक जरूर मिलता है। माई कहानी सुनाती जाती है तो बाल गौर नाल सुनते रहते हैं। बुढ़ी माई जान बुझ के बैठ रही है तो सारे इकट्ठा करके उन्होंने कहानी सुना है, फिर वो कोई ना कोई सबक कढ़ के वो बारे च बच्चों पूछ लेंदी है कि ये उस जो बच्चे उस सवाल का जवाब देने दसते हैं कि असी इस कहानी की सीख्या है। इस तरह कहानी चलती रहती है तो बहाल जो बाल होंगे ने वह कहानियाँ सुनते रहते हैं। बिच कहानी सुनते सुनते वो इन्ने गहरे नींद में सो जाते हैं कि अगले दिन फिर शाम हो जाती है तो वह फिर आते हैं तो अपनी माई नूं कहिंदे ने कि सानू कहानी सुना, तो यह सिलसिला इदां ही चलता रहिंदा है। जदों बच्चे जवान हो जाते हैं तो कहानियां का मतलब ही उन्हां लई बदल जाता है। जिन्हां पढ़ियां ती कहानियां तो बाद वो हीर रांझा, सोहनी महिवाल, मिर्जा साहिबा, सस्सी पन्नू ते अखीर सूरमिया दीआं कहानियां सुनन लग जाते हैं। हयाती दे सारे तजर्बे इकट्ठे करन तो बाद अखीर वो वेला आ जाता है जदों उत्थे उही बाल जिहड़े अपनियां माइयां दादियां कोलों कहानी सुनदे ने ते उही अगे अपने पोतरे पोतरियां नूं कहानी सुनांदे हुंदे ने। पिंडां दे विच वड वडेरे ते मरासी भी इदां दीआं कहानियां सुना लैंदे ने जिहड़े कई कई दिनां तक मुकदियां ही नहीं। सारी रात मुक जाती है, सारा दिन मुक जाता है, लेकिन कहानियां नहीं मुकदियां। उस तो बाद साडा पॉइंट है पंजाबी कहानी की तारीख की है। पंजाब धरती पंज दरियावां दे पानी की फरावानी पारों जखीरा करके आबाद धरती कहलांदी है। माहरीने आसार कदीम के मुताबक हड़प्पा ते मोहनजोदाड़ो वड्डियां तहजीबां जिन्हां नूं मजमूई तौर पर वादी तहजीब आख्या जाता है, उन्हां दी ए कुदरत कह सकते हैं दा अंदाज़ा 5000 साल पहले ही लाया जा सकता है। इन्नी कदीम होवन दे बावजूद ये तहजीब ते सकाफत इंतहाई तरक्की याफ्ता सी, जिहदी अपनी जुबान सी, जिहड़ी इत्थे तक पढ़ी ना जा सकती थी। इन्नी मुश्किल जुबान सी कि वह पढ़ी नहीं जा सकती सी। इस धरती ते हमला आवरां दी सूरत आन वालियां कौमां विच्चों सब नालों पहली दराबर सी। फिर आर्या इस धरती ते आए जिन्हां दी जुबान संस्कृत सी, उन्हां समझ सब नालों कदीम जुबान किताब ऋग्वेद रची, जिहदे बारे अंदाज़ा है कि अज तो 3000 साल पहले वह मुरतब होईयां सी। ऋग्वेद विच जमीन की पैदाइश समेत कई कहानियां ने जिन्हां बारे ख्याल है कि ये उस वेले दीआं कहानियां ने सन। फिर इन्हां नूं किताबी शकल विच इकट्ठा कर दिता गया। संस्कृति अदब ज़्यादातर लिखती रूप विच मौजूद है, पर बदकिस्मती नाल उस तो बाद दा अदब नामुनासिब ते ना साजगार हालात की वजह तो महफूज नहीं रह सकिया ते साडा ढेर सारा लोक वरसा जिहड़ा सीगा वो ज़ाया हो गया, यानी कि उन्हों कोई संभालने वाला बचिया ही नहीं। अगला साडा पॉइंट है पंजाबी कहानी लिखती रूप विच किन्नी है। ते लोक कहानियां किसी भी कौम दा अनमोल सरमाया हुंदियां ने जिहदे तो उस कौम की तारीख, मिजाज, नफसियात, सोचन समझन दे अंदाज़ गोया के हर शह का अंदाज़ा लाया जा सकता है। यह वजह है कि अंग्रेज़ों ने इस इलाके में अपनी हुकूमत कायम करने लई जिथे होर कई इकदाम किए उत्थे साडे तहजीबी ते सकाफती वरसे यानी लोक गीतां ते लोक कहानियां नूं भी इकट्ठा किया ते छपवाया तां जे ओह कौम दी नफसियात नूं चंगी तरह जाण सकन। इस सिलसिले की पहली किताब द लेजेंड ऑफ द पंजाब सी, जिन्हों एक अंग्रेजी सुजवान कहिंदे लिखण वाले नूं जिन्हें सोचा होए। आर सी टैंपल ने तीन जिल्दों में मुरतब किया। यदि पहली जिल्द 1884
दूजी 1885 ते तीजी पूरी 1900 विच छपी। इस किताब विच 59 कहानियां शामिल ने। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खावर भट्टा दियां चार किताबां कमाल कहानी, बार कहानी, नाबड़ कहानी ते राज कहानी छपियां। इन्हां किताबां विच ओ कहानियां इन्हां किताबां विच शामिल ने जिहड़ियां हज़ारां सालां तों 12 वर्षियां तक हर साल हर जिहड़ा आने वाला साल सी उहदे विच नसल दर नसल एक नसल तों दूसरी नसल तक जिदां है सी उहदे मुंतकिल हुंदियां रहियां। उस तों बाद असीं गल करांगे पंजाबी कहानी दियां किस्मां दे बारे च। लोक कहानी दियां कई किस्मां ने जिन्हां विच निक्के निक्के बालां लई कहानियां, वड्डे बालां लई कहानियां, समझदार ते गभरू जवानां लई कहानियां, रोमानवी ते इश्किया कहानियां, तारीखी कहानियां ते इस तों इलावा होर भी कई कहानियां वगैरह शामिल ने। सारे तों पहलां असीं गल करांगे बालां दियां कहानियां। बालां दियां कई किस्मां दे विच कहानियां हुंदियां ने, जिद्दां कि जानवरां ते परियां दियां कहानियां। ते जानवरां ते परियां दियां कहानियां किस तरहां दियां हुंदियां ने कि लोक कहानियां दा वड्डा हिस्सा परिंदियां ते जानवरां दियां कहानियां ते मुश्तमिल हुंदा है, जिहड़ा इंसानां वांगू गल्लां बातां करदे ने जिहड़े परिंदे। कुछ कहानियां दा अगर देखा जावे जिक्र ते होए चिड़ियां, चिड़ी ते कां, हरनी ते शिकारी, चिड़ी ते मुसाफर, तोतियां मनमोतिया या तूतियां मनमोतिया भी कहते हैं इसे, चूहा ते बिल्ली, मासी लोमड़ी, मामा गद्दड़, गिद्दड़ वगैरह, इस तरह दियां जिहड़ियां कहानियां ने वो जानवरां ते परिंदियां दियां कहानियां तसव्वुर कीतियां जांदियां सन। उस तों बाद असीं गल करांगे मुख्तलिफ पेशियां नाल जुड़ियां कहानियां। जट ते जट्टी पंजाबी लोक कहानी दे अहम किरदार ने, जिहड़े मलाकी ते होशियारी विच जिन्नी उहनां दी मिसाल दित्ती जावे उन्नी घट। जट ते जट्टी दियां कहानियां विच घुग्गी जट, जट ते बिल्ली, चतरी जट्टी लोक कहानियां दे खोजियां ते कहानियां दे मैदान विच जैस कौम नूं मजाहिया हीरो बना के पेश कीता गया है। वह मरासी है, चलाकी ते होशियारी विच कोई सानी नहीं होता। मरासी दियां कहानियां विच मरासी ते मौत दा फरिश्ता, मरासी ते मौलवी ते मरासी ते देव ये बहुतियां मशहूर ने। बिला शुबा मरासी दा किरदार लोक अदब दा बहुत वड्डा ते अहम हिस्सा तसव्वुर कीता जांदा है। इस तों अड जुलाहे ते बांदरी दी कहानी, उस तों अलावा एक सी पावली एक सी बावली, ठीक है, ते शहजादी ते दर्जी, इदां दियां कहानियां जिहड़ियां काबले जिक्र ने। उस तों बाद असीं गल करांगे राजे ते राणियां दियां कहानियां। ये सारियां कहानियां बाला दियां कहानियां विच अली बेजी में बाला दियां कहानियां दी अगे पॉइंट मैं दस रही हाँ। राजे राणियां दियां कहानियां दे विच असीं गल करांगे कि बाल कहानी दी तीजी किस्म विच राजिया ते राणियां दियां ते शहजादे शहजादियां दियां कहानियां शामिल ने। कुछ नाल राजे दी बेटी बांदरा व्याही, धी राणी कोकला, बादशाही या ईमान ते राजा रसालू दी कहानी वगैरह, इदां दियां कहानियां बहुत मशहूर ने। उस तों बाद असीं गल करदे हां वड्डे बाला दियां कहानियां। जिवें बाल सियाने हुंदे जांदे ने उहनां दे कहानियां दे मौजू भी बदल जांदे ने। सियाने बालां दियां कहानियां जिन्हां पढ़ियां ते देव जिहड़े देव हुंदे उहनां दियां कहानियां, बादशाह ते उहदे जिहड़े वज़ीर हुंदे ने, चकवा ते चकवी दी कहानी, इदां दियां कहानियां जिहड़ियां हुंदियां ने उह वड्डे बालां लई बहुत काबिले जिक्र ने। उस तों बाद असीं गल करदे हां नंबर 3 ते गभरू जवानां लई कहानियां कहिड़ियां ने। वड्डी उम्र नाल बालां विच सियाणापण, अकलमंदी ते शऊर आना शुरू हो जांदा है। तो जानवरां परिंदियां दियां कहानियां तो अगे इश्किया कहानियां दा सिलसिला शुरू हो जांदा है। एक वेला सी पंजाब दियां जिहड़ियां पिंडां विचों चौपालां, दाड़ियां, मजलिसां, महफलां ते बोहरां, टालियां, टाली थले बह के कहानियां दियां दास्ताना सुनन दा रवाज जिहड़ा सी ओह बहुत आम सीगा। शाम वेले जदों कम्मां काजां तों वेले हो के कहानी सुनाउण दा काम शुरू कर लेना एक बारी तो फिर सारी सारी रात निकल जाती सी, पर कहानी नहीं मुकदी सी, ना सुनाउण वाला ही थकदा सी ते ना सुनन वाले ही आखते रहे सी कि सानू नींदर आ रही है। इस तरह ही कोई माई बुढ़ी कहानी शुरू कर लेंदी तो पूरी रात लंघ जाती।
अफसोस की गल ये कि अज की जी नफसा नफसी मादा परस्ती ते मशीनी दौर की जी अज हूँ कहानी बनती पई है, ये सारे मज़े खत्म हो गए हैं। पंजाब दियाँ इश्किया कहानियां या दास्ताना बहुत शायरी बच्चे ने, पर इनू कहानियां जड़िया यो कहानियां सीगियां ये नसरी रूप में मिल जांदियां ने या नसरी ते नज़मी तरीके मिल के फिर सानू मिलदियां ने। पंजाब दियाँ मशहूर इश्किया दास्ताना जड़िया ने ओ हीर रांझा, सोहनी माहीवाल, ससी पन्नू, मिर्जा साहिबा, पूरन भक्त, जमील फतेह, ठीक है, उदा कीमा मलकी, बाबू माहिया, मोमल रानो, तो जोगिया की कहानियां जड़िया ने इस कहानियां दे विच इश्किया कहानियां दे विच बहुत अहम किरदार रख दियां ने। तारीखी कहानियां या इन्हों असी सूरमिया दी कहानियां भी कह सकते हैं, दोने एको ही किस्म ने। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खावर भट्टा दिया चारों किताबों विच शामिल कहानियां तारीखी ने, जिन्हां विच पंजाब दे सूरमिया बहादुरां ते जिहड़े हीरो है उन्हां दा असल महांदरा मौजूद है। उन्हां दियां कहानियां दा माखज मुख्तलिफ पिंडां ते कौमां दी जिहड़ी जद्दी मिरास है उन्हां दे बारे च लोकां नूं आगाह करना है, जिन्हां कई सदियां तो नसल दर नसल ये कहानियां नूं सांभ के रख्या ते आने वालियां नसलां नूं ये कहानियां सुनाईयां। इन्हां विचों कई कहानियां इस तरह दियां हैं जैसे कि छुप गईयां, जिहड़ियां दोबारा किसी के सामने नहीं आ सकियां, जिहड़ियां महफूज नहीं कर सकियां सी। पुरानी कहानियां दे विचों जिदा कि राजा राणी दियां कहानियां, इदां दियां कहानियां बहुत मशहूर सी जिहड़ियां हज़ार वरियां तो अज तक चलदियां आ रहियां ने। जे अगर असी राजा पोरस की कहानी देखिए तो वह बहादुरी ते वतन परस्ती का मूँह बोलदा सबूत है। उस तरह सईद भट्टा दियां जिहड़ियां सूदियां कहानियां कुछ अहम ना, राजा पोरस, राजा करनाल, मल्ला दो प्याजा, गामन, सचियारा, सचार, सखी सौदागर, चार सियाने तानसीन, ठीक है, राधा भटियानी, इस तरह दे जेड़े ने भूअर सुल्तान, इदा दियां कई कहानियां ने जिहड़ियां सानूं बहादुरी ते वतन परस्ती का सबूत दिंदियां ने। पंजाब दे सूरमियां विचों कुछ अहम कहानियां दुल्ला भट्टी, राय अहमद खां खरल, निज़ाम लोहार, इस तो अलावा भी कई कहानियां इदा दियां मौजूद ने जिहड़ियां कि जवान जिहड़े हैगे ने साडे ओह सुनना पसंद करदे ने सूरमियां दियां कहानियां। उस तो बाद साडा आखिरी पॉइंट है कि कहानी विच पंजाब दी वसू दी तारीख की है। पंजाब नूं लोक कहानियां दा समुंदर आख्या जांदा है। ये कहानी पुराने जमाने तो वड्डी तादाद विच मौजूद है जिन्हें अपने अंदर पूरे पंजाब दी सकाफत नूं समोया होया है, ते तारीख नूं भी लोक कहानी विच तफरी दा सबक मिलता है। इन्हां विचों कुछ दा तालुक किसी खास पिंड, इलाके, दरिया या माहौल नाल हुंदा है जिहदे पारों उन्हां दा जुग्राफिया ज़्यादा वसीह नहीं। पंजाब दियां कुछ कहानियां जादुई ते तलिस्माई तर्ज दियां ने, जिन्हां दियां ज़बाना ते उन्हां दा जिहड़ा कमाल है वह वक्खो वक्ख है। इन्हां कहानियां दे हीरो ते हीरोइन नूं कई तरह दियां मुसीबतां ते मुश्किलां दा सामना करना पिया, पर वह हिम्मत, लगन ते ज़हानत नाल सब नूं मात दे के अगे लंघदे गए। मकसद यही है कि कहानियां अलमिया हुंदियां ने, अखीर विच कोई मौत दी आगोश विच चला जांदा है। मसलन फुलन शहजादी, मीरचंद शहजादी ते बेंगन शहजादी वगैरह, ते कईयां दा एंड जेरा हुंदा है, कईयां दा जेरा अखीर हुंदी है, कईयां दी ओह कईयां दी खुशी वाली हो जांदी है। कई कहानियां इदा दियां ने कि जिन्हां दी अखीर खुशी वाली होवे ते बच्चे उहदे तों भी सबक लैंदे ने, ते कई इदा दियां कहानियां जिन्हां दी अखीर विच मौत हो जांदी है ते ओह भी एक तरह आखरत दा समान तैयार करन लई बच्चियां लई एक सबक ही हुंदा है जिहड़ा कहानी सुनाउण दा मकसद हुंदा है। बस अज के टॉपिक बस इन्ना ही, लास्ट ते असी लिखांगे मुकदी गल, लिखना तुसी नहीं भुलना, ते मुकदी गल विच असी लिखांगे कि जिहड़ियां लोक कहानियां ने इह ये किस तरह अज की जिंदगी दे विच असी इन्हां दियां किद्दां रौनकां असी गवा लियां ने। असी कदी पंजाब दी तारीख नूं तहजीब नूं चंगी तरह पढ़न की कोशिश नहीं करते। जे असी अपने मुल्क तो बाहर भी किते चले जाने तो सानूं किते ना किते दिल विच शर्मिंदगी महसूस करते हैं। असी दसन लई कि असी पंजाब दे
ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਲਿਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।